दोस्तों आज हम सीखेंगे ध्रुव राठी की तरह थंबनेल बनाना। फ्रेंड्स आपको प्ले स्टोर पे आ जाना है, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है पिक्सल लैब और इस ऐप को सर्च करके इंस्टॉल कर लेना अपने फोन में। और फ्रेंड्स आ जाते हैं हम गूगल पे, यहाँ पे फ्रेंड्स हम सर्च करेंगे ध्रुव राठी पिक, यहाँ पे बहुत सारा फोटो दिख जाएगा। इस पे क्लिक किया, उंगली प्रेस करके रखेंगे, डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर देंगे, हमारी गैलरी में सेव्ड हो जाएगा। बैकग्राउंड फोटो कहाँ से लेंगे, तो आप गूगल से भी ला सकते हैं या फिर आप अपने फोन में पिंटरेस्ट ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा और इस पे अपनी किसी भी ईमेल आईडी से लॉगिन हो जाना है। अब आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है बैकग्राउंड इमेजेस या फोटो या पिक, कुछ भी टाइप कर देंगे बहुत सारी बैकग्राउंड इमेजेस आ जाएगी। कुछ इस तरीके का इमेजेस आपको दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। आपको सिंपल थ्री डॉट पे क्लिक करना और डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर देंगे तो आपकी गैलरी में सेव्ड हो जाएगा। ध्रुव राठी के फोटो हमने लिया, उस फोटो की बैकग्राउंड तो इरेज ही नहीं किया, तो इरेज कैसे करना है उसके लिए फ्रेंड्स आपको प्ले स्टोर पे ही जाना है, वहां पे आपको सर्च करना है बैकग्राउंड इरेजर और ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे लोड इमेज पे क्लिक करना है। अब जो ध्रुव राठी का आपने फोटो सेव करके रखा अपनी गैलरी में, उस फोटो पे क्लिक करना, फोटो आ जाएगा। यहाँ से इस फोटो को आप बस उनकी बॉडी जो दिख रही है उतना ही एरिया सेलेक्ट कर लेना है, डन कर देना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ऑटो सेल्फी का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड गायब हो जाए। डन पे क्लिक करना है और थ्री पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर देना है, फिनिश पे क्लिक कर देना। अब इसे क्लोज कर देना, आ जाना है पिक्सल लैब ऐप पे, थ्री डॉट पे क्लिक करना, इमेज सर्च पे क्लिक करना, उसके बाद से यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक कर देना, ओके कर देना। यहाँ से न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करके इसको डिलीट पे क्लिक करके ओके कर देना, डिलीट हो जाएगा। अब आपको प्लस पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है और जो भी बैकग्राउंड इमेजेस आपने डाउनलोड करके रखा है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लिए, अब ये हमारा बैकग्राउंड आ गया। यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पे फिर जाएंगे, फिर दूसरी बैकग्राउंड को हम सेलेक्ट करेंगे, उसी बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लिया, ओके कर देंगे। ये भी बैकग्राउंड है, ये दोनों तो एक ही कलर का है भाई, कोई बात नहीं, यहाँ पे इसे हम मैनेज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमको नीचे की तरफ एक आइकन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे कलर फिल्टर पे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसका ह्यू हम जो है ना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ह्यू यहाँ पे कैसे चेंज कर दिया, चेंज हो रहा है ना, तो आप इस तरीके से चेंज कर लेना। और यहाँ पे जो कंट्रास्ट है इसको थोड़ा सा आप इंक्रीज कर दीजिएगा, काफ़ी मस्त निकल के आएगा, तगड़ा। और सेम प्रोसेस आप चाहें तो ब्राइटनेस भी आप बढ़ा सकते हैं हल्का सा, ताकि आपका जो बैकग्राउंड काफ़ी मस्त है। तो इस तरीके से वो यूज करते हैं, ओके कर दे। अब इस इमेज पर भी क्लिक किया, फिल्टर कलर फिल्टर पर गए और इस यहाँ से इसका ह्यू जो है हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे ताकि देखने में औसम सा लगे। ये वाला काफ़ी मस्त लग रहा है और सेचुरेशन को भी आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, अगर हल्का लगे तो आप बढ़ा सकते हैं, इतना पे अच्छा लग रहा है। और कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना, अब हाईलाइट हो गया। अब इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स देखेंगे मास्क का जो ऑप्शन है उस पर आएंगे यहाँ पे। अब इसको हम कुछ इस तरीके से देखिए इनेबल करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए इनेबल कर लेना है और यहाँ पे मूव का ऑप्शन मिलेगा, मूव पे क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से मूव करा लेना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइन। अब इसको रोटेट करना है, अब रोटेट कैसे होगा देखो, यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन है, इसको आप इस तरीके से करेंगे तो ये रोटेट होता जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से रोटेट कर लेना है, यहाँ पे देख सकते हैं इतना पे, और थोड़ा सा रोटेट करेंगे, हाँ इतना पे ऑसम लग रहा है, क्लिक कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे लेयर पे आके इसे लॉक कर देना। अब बीच में एक ब्लैक लाइन हम लाएंगे, उसके लिए फ्रेंड प्लस पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, वाइट फोटो आ जाएगा, इस वाइट फोटो को बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरीके से और इसको इस तरीके से हम पतला कर लेंगे, इसका कलर जो है यहाँ से हम ब्लैक कर लेंगे। ठीक है, और पतला कर लेंगे थोड़ा सा, इतना पे लगभग ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से इस तरीके से ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और इसको इस तरीके से घुमा लेंगे, देखिए ऐसे पहले अंडू करते हैं, इसको यहाँ से रोटेट करेंगे और इसको यहाँ पे लेकर आएंगे मूव करा कर। ठीक है, यहाँ पे आपको मूव का पोजीशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आना, इसको पूरा जीरो कर देना, इस तरीके से मूव करना है और इसको नीचे की तरफ लेकर आ जाना, इसको बड़ा कर लेना हो और नीचे लेकर आ जाना पहले। ठीक है, उसके बाद से आपको नीचे लाने के बाद इसको जीरो करके पूरा इस तरीके से आपको लेकर आना है। देखिए मैं इसको प्लस करके इस तरीके से इसको मूव करा लेता हूँ ऐसे, हाँ इतना पे। अब इसको ओके करके देख लेंगे, देखिए हमारा एकदम से फिट हो गया यहाँ पर। उसके बाद से फ्रेंड्स ये लेयर पे क्लिक करेंगे, इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, अब सब लॉक हो गया यहाँ पर।
फिर से यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पे जाएंगे। अब जो हमने पीएनजी फोटो ध्रुव राठी का बना के रखा है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, फोटो आ जाएगा, ओके कर देंगे। अपनी फोटो एक यहाँ पे देख लेता हूँ, मेरा फोटो है तो फोटो को लाऊंगा, या ये वाला फोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके फोटो आ गया। अपनी फोटो को यहाँ पे लगाते हैं ध्रुव राठी की जगह पे, इनकी फ़ोटो इधर लाएंगे ताकि इनके बारे में हम बता रहे हैं ना। तो ये फ़ोटो हम इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, इस फोटो को हम थोड़ा मिरर कर लेते इस साइड की तरफ, ओके करके, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से फ़ोटो आ गया। अब यहाँ पे लेयर पे क्लिक करके अपनी फ़ोटो को लॉक कर लेंगे और इनकी जो फ़ोटो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे बड़ा करके यहाँ पे लगा देंगे, इतना पे लगाने के बाद से फोटो को हम छोटा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एकदम से बड़ा ही कर लें, इतना पे कर देंगे। अब यहाँ पे लेयर पे क्लिक करके लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं इतना काम से हो गया। अब ये एरिया जो छूटा है यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे क्या चीज़, देखो तो मैं लिखूँगा थंबनेल, ओके। अब यहाँ पे आ गए थंबनेल, फिर से टेक्स्ट एक लेकर आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे माइकिंग, ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये एरिया जो है खाली खाली लग रहा है, तो खाली लग रहा है तो यहाँ पे हम कुछ ऐड करेंगे। अब क्या ऐड करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पे जाएंगे, यहाँ पे लोगो आ चुका है, इसको हम यहाँ पे ओके कर लेंगे और यहाँ से इसकी बैकग्राउंड देखिए, ऐसे बैकग्राउंड को हटाना पड़ेगा, इस पर क्लिक किया, इनेबल किया, हट गया, ओके। कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड आएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम अच्छे से यहाँ पे मैनेज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अच्छा लग रहा है, बट इसको हम अच्छा करने के लिए देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस पे और शेप पे आएंगे और एक शेप ले लेंगे छोटा सा, इसको छोटा करके यहाँ पे लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे अपनी इस देखिए इसको यहाँ पे रखेंगे, ओके कर देंगे। अब ये जो फोटो है इमेजेस, इसको हम इसके ऊपर ला कर रख देंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको ऊपर कर देंगे, देखिए इस पर क्लिक किया, इसको ऊपर कर दिया और शेप को नीचे कर दिया, ये हमारा वाइट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इतना काम तो यहाँ पे हो गया, इन सभी को यहाँ पे लॉक कर देंगे और बस ये टेक्स्ट है इसको रखेंगे यहाँ पे, ये पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉन्ट पे आएंगे और यहाँ पे देखिए फॉन्ट लिखा हुआ है, यहाँ के स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ आएंगे तो ये वाला फॉन्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ओके कर लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे माइकिंग जो है, माइकिंग को भी हम बोल्ड उसी फॉन्ट में चेंज कर लेंगे। अब इसका कलर जो है थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, येल्लो ही रहने देते हैं, येल्लो अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे एक शैडो लगा देंगे, ठीक है, इनेबल करेंगे और ब्लैक शैडो लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा रोटेट भी कर लेंगे, यहाँ से देखिए शैडो को हम ऊपर नीचे कर लेंगे, प्लस प्लस कर लेंगे, +5 +5, तो शैडो निकल के बाहर की तरफ आ जाएगा, अच्छा लगेगा देखने में। माइकिंग जो है, माइकिंग को वाइट ही रहने देते हैं, इस पर भी ब्लैक शैडो लगा देंगे ताकि टेक्स्ट हमारा जो है हाईलाइट हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस इस तरीके से ही अप्लाई करते हैं ध्रुव राठी, ठीक है। इसे इनेबल कर दिया, इसको इनेबल नहीं करना है, इसको ++5 कर देना है, इसको भी +5 कर देना, ओके। देख सकते हैं कितना तगड़ा लग रहा है, इधर की तरफ थोड़ा सा खाली लग रहा है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे कुछ इमोजी वगैरह हम लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लिक किया और कोई इमोजी यहाँ पे लगा लेते हैं, चलो यहाँ पे ए वाला डन वाला, ठीक है, ए वाला अच्छा लग रहा है। इस तरीके से इसको छोटा कर लेंगे कुछ इस तरीके से, हाँ इसको अच्छे से लगा लेंगे यहाँ पे, अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं फाइनली यहाँ पे हमारा ध्रुव राठी की तरह सेम, मतलब जो थंबनेल है ना, बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, सेव एज इमेज पे क्लिक करना है और सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना, ये आपकी गैलरी में सेव्ड हो जाएगा।